राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी पार्टियां उन्हें निष्कासित करने पर अड़ी हुई हैं। इसी बीच सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सदन में 3 घंटे के अंदर 2 बार माफी मांगी है। साध्वी प्रज्ञा ने दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि मैंने 27/11/2019 को SPG बिल पर चर्चा के दौरान नाथुराम गोडसे को देशभक्त नहीं करा, फिर भी मेरे बयान से किसी को खेद पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बता दें कि इससे पहले उन्होंने दोपहर 12 बजे भी सदन में माफ़ी मांगी थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि साध्वी प्रज्ञा सदन में दोबारा माफ़ी मांगेगी। बता दें कि इससे पहले बयान में साध्वी प्रज्ञा ने माफ़ी मांगते हुए सदन में कहा था कि यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि नाथुराम गोडसे वाले बयान पर राहुल गांधी ने सांसद ठाकुर को आतंकी बताया था। प्रज्ञा ने कहा, उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सदन के एक सदस्य ने मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा। मेरे खिलाफ सरकार द्वारा किए षड्यंत्र को लेकर मुझे आतंकी कहा गया, जबकि मुझ पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।